टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत। दोस्तों, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल की डेट कंफर्म होने के बाद अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की भी डेट कंफर्म हो गई है। दोनों की जो डेट है वो एकदम सेम रखी गई, मतलब 27th ऑफ सितंबर से दोनों की सेल स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर है तो आपके लिए एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आप प्राइम कस्टमर हैं अमेजन के तो आपके लिए भी एक दिन पहले यानी 26th ऑफ सितंबर से सेल स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, इस सेल का सबसे ज़्यादा उन लोगों को इंतजार होता है जिनको स्मार्टफोन परचेज करना रहता है, क्योंकि इस वाली सेल में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में स्मार्टफोन मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस वाली सेल से कोई स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके काफी काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के स्मार्टफोन के बारे में। जैसे अंडर 10,000 रुपए में कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जिसपे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, या अंडर 15,000 रुपीज में ऐसे कौन से स्मार्टफोन जिनको आपको इस वाली सेल में कंसिडर करना चाहिए। और दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही अमेजन से कुछ परचेज करोगे तो वहां पर भी आपको, अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो वहां पर भी हर प्रोडक्ट पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, डिटेल्स में बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन है जिसपे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट इस वाली सेल में मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो मैंने कैटेगरी चूज की है बजट कैटेगरी, मतलब अंडर 10,000 रुपीज में ऐसे कौन से स्मार्टफोन है जिसपे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट इस वाली सेल में मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्मार्टफोन मैंने चूज किया वो iQOO G9 Lite, इसके बाद आता है आपको vivo T3 Lite, इसके बाद आपको मिल जाएगा Infinix Hot 50 5G, ये अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ था। इसके बाद आपका आता है Poco M6 Pro 5G, फिर Realme C63 5G, इसके बाद मैंने चूज किया है Moto G45 5G और Narzo N65 5G। तो ये वाले जो सारे स्मार्टफोन ये अंडर 10,000 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से आप अपने लिए कोई भी कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसके बाद जो मैंने कैटेगरी चूज की ये है अंडर 15,000 रुपीज़ वाली कैटेगरी। वैसे अभी जो स्मार्टफोन मैं आपको बता रहा हूं, इनकी अभी जो प्राइस चेक करोगे किसी की 15,000 रुपये से ऊपर भी है, बट जो सेल आने वाली उसमें आपको अंडर 15,000 रुपीज़ मिल जाएंगे जो बैंक कार्ड वगैरह है उसके थ्रू डिस्काउंट वगैरह करके। तो इसमें जो सबसे पहले मैंने फ़ोन चूज किया ये है Realme Narzo 70 Turbo 5G, जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। इसके बाद CMA Phone 1 आता है आपका, फिर आता है Realme Narzo 70 Pro 5G आता है, इसके बाद Realme P1 5G, Poco X6 Neo 5G, Vivo T3X, iQOO G9X 5G, Moto G85 5G। जैसे Moto G85 5G के अभी प्राइस 15,000 रुपये से ऊपर है, बट ऐसा माना जा रहा है कि इस वाली सेल में आपको अंडर 15,000 रुपीज़ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, 15,000 रुपीज़ में कोई अपने लिए स्मार्टफोन परचेज करना है तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अब इसके बाद जो मैंने कैटेगरी चूज की अंडर 20,000 रुपीज़, मतलब 15,000 से 20,000 रुपये के रेंज में ऐसे कौन से स्मार्टफोन है जो आपको इस वाली सेल में परचेज करना चाहिए या फिर कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले स्मार्टफोन मैंने चूज किया वो iQOO G9, इसके बाद आपका आता है iQOO G9S, Samsung M35 5G, फिर OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, Infinix GT 20 Pro, Realme 12 Pro, Nothing Phone 2A, Moto H50 Fusion और Realme P2 Pro। जैसे Moto H50 Fusion की अभी प्राइस 20,000 रुपये से ऊपर है, बट इस वाली सेल में वो आपको अंडर 20,000 रुपीज मिल जाएगा। ऐसे ही सेम Nothing Phone 2A के साथ भी है। तो इनमें से आप अपने लिए कोई भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो। अगली जो कैटेगरी मैंने चूज की है अंडर 25,000 रुपीज कैटेगरी, और ये जो स्मार्टफोन मैं आपको बता रहा हूँ ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिलेंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें जो सबसे पहले मैंने स्मार्टफोन चूज किया ये है Realme 12 Pro Plus, इसके बाद आपका आता है Moto H50, फिर आता है iQOO G9S Pro, Vivo T3 Pro, इसके बाद मैंने जो चूज किया है वो Realme GT 60, Poco X6 Pro 5G, Realme 13 Pro, और लास्ट में जो मैंने चूज किया है OnePlus Nord CE 4। ये सारे फ़ोन आपको मिलेंगे अंडर 25,000 रुपीज़ के। सेम वैसे भी अभी इनकी किसी किसी की प्राइस 25,000 रुपये से ऊपर भी है, बट सेल में ये आपको अंडर 25,000 रुपीज़ के मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी मैंने चूज की है ये है अंडर 30,000 रुपीज़ वाली कैटेगरी। इसमें जो सबसे पहले स्मार्टफोन मैंने चूज किया ये है Motorola H50 Pro 5G, इसके बाद मैंने जो चूज किया OnePlus 11R, फिर आता है आपका OnePlus Nord 4, फिर मैंने चूज किया Vivo T3 Ultra 5G, अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है। फिर जो फ़ोन मैंने चूज किया ये Honor 200 5G। वैसे Honor 200 जो अभी प्राइस है वो आप देखोगे 30,000 रुपये से ऊपर है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाली सेल में डिस्काउंट करके आपको लगभग 30,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और लास्ट जो मैंने फोन इसमें चूज किया वो है Realme 13 Pro Plus 5G। तो ये सारे फोन है जो अंडर 30,000 रुपीज़ में आप लोग इनमें से कंसीडर कर सकते हो। बाकी इनके अलावा भी इस वाली प्राइस रेंज में और भी आपको स्मार्टफोन मिल जाएंगे, वो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से चेकआउट कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही था कि 10,000 से 30,000 रुपये की रेंज में ऐसे कौन सा स्मार्टफोन है वो आप कंसीडर कर सकते हो जिसपे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग इस वाली सेल से क्या परचेज करने जा रहे हो, या फिर कौन सा स्मार्टफोन आप लोग इस वाली सेल में परचेज करने जा रहे हो। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।